बहुत बोल लिया, अब अपना नाम बता। ये बॉय आ जा फिर। है कोई या सारे के सारे ये बॉय? हेलो, तो मैं आ चुका एक और न्यू वीडियो लेकर वापस। एंड भाई ये वाला गेम प्ले बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला, वीडियो शुरू से एंड तक वो जरूर करना। एंड भाई आज के वाले गेम प्ले में भाई मेरे को स्टार्ट में चैलेंज मिल गया था प्लेन के अंदर ही। जो टॉप आरपी वाला बंदा था भाई, उस बंदे ने मेरे को चैलेंज दिया था। एंड ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं वो आप वीडियो में देखना। एंड जैसे नीचे कूदा बंदे भाई भर भर के आए थे। Marked an open door. अभी दो तीन बंदों को मारने के बाद मुझे जो ये फाइट इतनी इजी लग रही थी, ये फाइट इतनी इजी नहीं थी, क्योंकि ये फाइट एकदम तकड़ी भी होने वाली है। अब ये ना जाने बंदा कहां से कूदा था, बट अकेला बचा हुआ था अपनी टीम का। एंड भाई मेरे हत्ते चढ़ गया। फिलहाल इसके साथ अपने एक किल और बढ़ा, अब तीन किल मेरे हो चुके थे। एंड भाई वो बगल वाली बिल्डिंग में अभी बंदे घुसे हुए थे। एंड उससे पहले पहले मुझे दो तीन यहाँ पर फ्री के किल मिलते हैं। एंड उन फ्री के किल उठाने के बाद जो तुम्हारा भाई क्लच दिखाएगा। एंड अब बारी थी उस चैलेंज की, जो चैलेंज भाई जो प्लेन वाला बंदा था ना, टॉप आरपी वाला, उसने चैलेंज दिया था ये बॉय करके वो बंदा था। एंड वो बंदा मतलब मुझे पता चल गया था कि वो यहीं आया, क्योंकि हम लोगों में बात हो गई थी कि भाई अपार्ट आना है एंड वहीं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं मैं। अब भाई फिलहाल वो बंदा यहीं था और ये बगल वाली बिल्डिंग में उसका पूरा स्क्वाड था, वो चार थे। एंड भाई मेरे उस टीममेट को, साथ वाले टीममेट को वो मार देते हैं। एंड उसके बाद क्या मैं 1v4 कर पाऊंगा वो आप देखना। एंड बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो ध्यान से देखो। Come to me. अब भाई सीन कुछ इस तरह था, ये जो सारे बंदे थे मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि भाई इनको पता लग गया था कि जोनाथन इधर ही आया हुआ है। एंड ये लोग ना मुझे कंफ्यूज करके मारना चाहते थे, तो फिलहाल इनकी कंफ्यूजन को मैंने अपने माइंड पर हावी नहीं होने दिया। एंड इनको जैसे जैसे भरा वो आप देखो। अब भाई ये बंदा तो इतना बोल रहा था ये बॉय कि भाई ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। एंड सबके नाम ऐसे एटीट्यूड में गिन रहा था कि भाई जैसे सबको खा जाएगा। बट यार एक शॉट, मतलब एक ही शॉट इसको पड़ा, एक ही फटके में धरती पर लेट गया। तो फिलहाल इसका एक ही टीममेट बचा हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे मारना था मैं।
अभी इन लोगों की माड़ी किस्मत की भाई मुझे ही चैलेंज किया एंड मैंने इन लोगों को 1v4 कर दिया। तो फिलहाल सारे बंदे खत्म हो चुके थे एंड अपार्टमेंट में ही वो पूरे पूरे नो किल एंड ये गेम प्ले एकदम मजेदार बनने वाला था। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैंने अपने टीममेट को रिकॉल किया एंड रिकॉल करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले एंड पहुंचे सीधा पोचंकी एंड पोचंकी के अंदर एक फाइट हमारे लिए ऑलरेडी तैयार थी। अब भाई ये जो होने वाला है सीन थोड़ी कंफ्यूजन वाला होने वाला है क्योंकि मुझे दूर से बंदा बोट लगा एंड भाई उस बोट के चक्कर में पता लगा कि सामने वाले बंदे रियल हैं। अब भाई ये दो बंदे इनको मैं भर चुका था एंड 11 किल मेरे हो चुके थे एंड यहाँ पहले तो मुझे 2-3 फ्री का किल मिल गए एंड उसी के साथ इस टीम का एक आखिरी बंदा जो भाई मुझसे पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था। अब पहले तो ये फ्री के किल भरते हैं एंड उसके बाद उस बंदे को। तो इसके लिए एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट में लिख के जरूर बताना अभी तक आपको ये वाली वीडियो कैसी लग रही है। फाइनली इस बंदे को मैंने जैसे ही भरा मेरा जो रैंडम टीममेट था उसका रिएक्शन सुनो क्या ही निकला। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को आवाज क्लियरली नहीं आई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो जो मेरा टीममेट था जो रैंडम आया हुआ था मेरे साथ उसने मुझसे पूछा कि जोनाथन भाई तुमने अपना नाम फिर से चेंज कर दिया है क्या, क्योंकि जो मेरा नाम लिखा हुआ है वो ओनली जोनाथन है एंड जोनाथन के नाम के आगे 16 लगा हुआ है जो ओरिजिनल वाला सीन है। तो फिलहाल उस बात को हम लोग इग्नोर करते हैं एंड हम लोग यहाँ से निकलते हैं एक और फाइट के लिए एंड तभी हम लोगों को दिखती है एक फ्लेयर एंड भाई उस फ्लेयर ड्रॉप पर हम जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ दो बंदे थे एंड कितने के लिए यहाँ मुझे मिलेंगे। चलो एक बंदा तो आसानी से उतर गया एंड दूसरा बंदा ना जाने कहां अपने टीममेट को छोड़कर भाग गया था। भाई कहां जाएगा। तो फिलहाल अपने 15 किल टोटल हो चुके थे एंड अच्छी खासी लूट मेरे पास थी एंड अभी बंदे बचे हुए थे 17। अब भाई कितने किल मैं इन लोगों में से मतलब एक एक करके निकाल पाऊंगा एंड भाई यहाँ सांपों का डेरा डाला हुआ था एंड हर मैदान के अंदर आपने देखा होगा सांप ही होते हैं एंड ये वाला मैदान भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। छी यार मतलब मेरा बस चले तो ये घास कटवा दूं यार। तो फिलहाल अभी बंदे बाकी थे एंड जितने किल मुझको मिलेंगे वो आप देखना एंड भाई उन किल के साथ एक एक कमेंट जरूर कर देना कि भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। फिलहाल ये वाला जो किल था बाद वाला ये मेरे टीममेट को मिल गया। अब ऐसा हुआ जैसे मैंने उस बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया क्योंकि एक दो हेड मेरे हाथ से पड़ चुका था एंड उसी के साथ एक ही गोली के अंदर वो खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं था कि मेरे किल नहीं चुरने वाले हैं। अभी जो मेरा टीममेट भाई स्नाइपर है ना ओम चलाने वाला वो देखो कितने किल चुराएगा।
अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भाई जैसे जैसे मैं बंदों को डैमेज दे रहा था, मेरा टीममेट भाई उन बंदों को एक एक करके मारता चला जा रहा था। भाई ओम के शॉट एक दे रहा था एंड खत्म। अभी फिलहाल पीछे की साइड मेरे को एक बंदा दिखाई देता है, पहले तो मैं उसको नॉक करता हूँ एंड उसके बाद फिनिश। अब भाई उसी के बाद यहाँ जो बंदे चारों तरफ थे उनको भरने की बारी थी। फिलहाल इस बंदे को फिनिश किया एंड उसी के साथ अपने 19 किल। एंड जस्ट आप लोगों को अभी एक चीज दिखी होगी कि जस्ट मेरे पीछे से ओम चली थी। अब फिलहाल वो बंदा मेरे को उसकी लोकेशन दिख गई थी। अब मैंने पहले तो बग्गी उठाई एंड सीधा उसी के पास पहुंचकर क्या मारा उसको वो आप देखो। अब भाई मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि ये घास मैं कटवा दूंगा, बट क्या करूं मेरे हाथ में नहीं है। तो फाइनली इस बंदे को भी मैंने भरा। भाई ये किस टाइप से लेटे होते हैं ये भाई मैं जान सकता हूं। अब फिलहाल यहां से हम लोग निकले एंड अब जो क्लच मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। एंड एक बंदा कितनी खतरनाक कैंपिंग करेगा वो भी आप देखना। ओए 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 भाई भाई ये क्या था। फिलहाल ये बंदा मुझे जरा भी दिखा नहीं था, बट मेरे टीममेट ने एक सही टाइम पर सही चीज दिखाई कि उस बंदे को भर दिया। तो फिलहाल पहले मैं रिवाइव हुआ एंड रिवाइव होने के बाद हील की एंड दो बंदे अभी बचे हुए थे, तो क्या भरूंगा मैं उन लोगों को। विनर विनर चिकन डिनर। तो फाइनली ये वाला गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट में जरूर बताना। एंड एंड में ये दोनों को मैंने क्या ही एकदम फट से मार दिया वो भी आप जरूर मतलब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो कमेंट में जरूर लिख देना। तो फाइनली अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर गाइज़।